हेलो, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कुछ 6-7 फिल्में हैं जो OTT पर रिलीज हो रही हैं डिज्नी हॉटस्टार पर। इसमें सुशांत सिंह राजपूत, आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, विद्युत जामवाल और कुणाल खेमू की फिल्में शामिल हैं। इन फिल्म्स को रिलीज़ किया जा रहा है हॉटस्टार पर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और इन्हीं को रिलीज़ करने का ऐलान करने के लिए एक लाइव सेशन भी हुआ था जिसमें कुणाल खेमू और विद्युत जामवाल को इनवाइट नहीं किया गया था। तो ट्वीट करके कुणाल खेमू और विद्युत ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया था, थोड़ा सार्कैज़म, थोड़ा गुस्सा उस बात में था। तो घूम फिर कर पूरी बात नेपोटिज्म पर आ गई, फिर बराबरी के अवसर नहीं मिलते इस पर आ गई। फिर क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर अपने अनुभव शेयर करने के लिए बहुत से सेलिब्रिटीज़ आगे आए, जैसे विक्रांत मैसी, अमित साध, कृति खरबंदा, उन्होंने भी अपनी राय इस बारे में दी। अब जो ताज़ा खबर है वो ये है कि एक्ट्रेस सोहा अली खान ने भी नेपोटिज्म पर कुछ कहा है। वो सैफ अली खान की बहन है, शर्मिला टैगोर की बेटी हैं और कुणाल खेमू की पत्नी भी हैं। एक इंटरव्यू में वो कहती हैं कि नेपोटिज्म और बराबर के अवसर देने जैसी बातें पिछले महीने से शुरू हुई हैं। नेपोटिज्म का अस्तित्व भी है और ये फिल्म इंडस्ट्री या भारत में नया नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति कई सवाल पूछता है तो उन सवालों से कई और सवाल पैदा हो जाते हैं पर जवाब नहीं मिलता है। हालांकि अच्छा ये है कि ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। सोहा अली खान आगे कहती हैं कि अगर ऑडियंस को ये लगता है कि किसी की फिल्में देखनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, तो उन्हें टिकट खरीदनी चाहिए और उनकी फिल्में देखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी उन्हें फॉलो करना चाहिए। सोहा का कहना है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि यहाँ पक्षपात नहीं होता। वैसे भी उन्हें फिल्मों की ताकत पर यकीन है। तो उन्होंने क्या किया कि जो अगले सप्ताह यानी 24 जुलाई से शुरू हो रहा है वीक जिसमें फिल्में रिलीज होती जाएंगी एक के बाद एक, तो उन्होंने कहा कि अब जो फिल्में आ रही हैं उन्हें आप देखें और जिसको भी आपको सबसे ज़्यादा प्यार देना है आप दीजिए। वैसे कुणाल की जो फिल्म है वो डिज्नी हॉटस्टार पर ही आ रही है। फिल्म का नाम लूट केस है, 31 जुलाई रिलीज डेट है। खुद कुणाल खेमू ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। बाकी ये खबर यहीं तक है, देखने के लिए शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में ज़रूर अपने कॉमेंट्स शेयर करें। सिनेमा जगत की और खबरों के लिए ललन टॉप के साथ रहें। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।